सिंपल हाउस प्लान डिज़ाइन, छोटा सा एक हाउस डिज़ाइन है। इसको स्टार्ट करने से पहले हमें जो यहाँ पर करना है, इसका डोर और विंडो यहाँ पर ड्रॉ करना है। यहाँ पर डोर, तो इसके अंदर हमने जो रूम क्रिएट किया है इसके बारे में हम आपके साथ बात करेंगे। पहले यहाँ पर डोर और विंडो यहाँ पर ऐड करेंगे। यहाँ पर आप मेन गेट यहाँ पर गेट एंट्री, उसके बाद हम इसके अंदर कलर ऐड करेंगे। तो इधर हम कलर ऐड करते हैं। अभी इसके अंदर हमें विंडो और वेंटिलेटर देखने को यहाँ पर मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पर पूरा हम रखेंगे। उसके बाद देखिए यहाँ पर इधर भी हम इधर विंडो और वेंटिलेटर रखेंगे। तो कौन सा रूम है, क्या क्या रूम है, इसके बारे में हम आपके साथ इसको कंप्लीट करने के बाद बात करेंगे। यहाँ पर रहेगा, ठीक है। उसके बाद देखिए इधर पार्टीशन वॉल 125 mm का इधर ऐसे रहेगा। उसके बाद इधर हम विंडो ऐड करेंगे। ओके, नेक्स्ट देखिए यहाँ पर इसके अंदर विंडो, नेक्स्ट इधर इधर भी विंडो रहेगा ऐसे। उसके बाद यहाँ पर पार्टीशन वॉल, ओके, नेक्स्ट यहाँ पर पार्टीशन वॉल। इसको कंप्लीट करने के बाद हम इसके अंदर थोड़ा सा कलर से हाईलाइट करना है यहाँ पर हमें, ऐसे इधर ऐसे इधर ऐसे इधर नेक्स्ट इधर नेक्स्ट इधर नेक्स्ट इधर इधर करना है। उसके बाद इधर भी थोड़ा सा कलर हमें ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। इतना कुछ कंप्लीट करने के बाद हमें यहाँ पर विंडो ऐड करना है इसके अंदर, ठीक है। इधर जो है विंडो यहाँ पर हमें ऐसे लिखना है डी, यहाँ पर डी डी वन डी वन इधर विंडो। देखिए यहाँ पर विंडो, नेक्स्ट इधर विंडो। इतना कंप्लीट करने के बाद हमें क्या करना है, इसके अंदर डिटेल्स भरना है। उससे पहले यहाँ पर कॉलम हमें रेडी करना है ऐसे। तो यहाँ पर ऐसे हम कॉलम रेडी करेंगे, यहाँ पर ऐसे इधर ऐसे इधर ऐसे नेक्स्ट इधर, ठीक है। तो इसमें से देखिए कॉलम जो है मेन कॉलम यहाँ पर कुछ आएगा, तो उससे उसको हम बाद में दिखाएंगे। मेन कुछ कॉलम यहाँ पर आएगा, ठीक है। तो इसके अंदर हम टेक्स्ट ऐड करेंगे, उसके बाद बाकी डिटेल्स आपके साथ शेयर करते हैं बाद में। यहाँ पर बेडरूम, यहाँ पर किचन, यहाँ पर टॉयलेट, बाथ प्लस लैट्रिन, यहाँ पर बेडरूम, यहाँ पर स्टेयर, यहाँ पर 4 feet 9 inch वाइड पैसेज, यहाँ पर सीटिंग एरिया, इधर से एंट्री। देखिए यहाँ पर कोई हॉल रूम हमने कर नहीं पाया, तो आपको आप चाहते हैं तो इसको हॉल रूम कर सकते हैं इस जगह को, ठीक है। क्योंकि इससे क्या होगा, आपको एक रूम कम हो जाएगा, तो आप ऐसे कर सकते हैं इधर। तो ऐसा कोई बात नहीं, यहाँ पर 15 feet 0 inch, यहाँ पर 35 feet 0 inch, ओके, नेक्स्ट यहाँ पर 495 square feet हाउस डिज़ाइन,
इधर जो आउटसाइड वॉल यहाँ पर 5 इंच वॉल, यहाँ पर वॉल 5 इंच वॉल, यहाँ पर वॉल 5 इंच वॉल, ओके। कलम यहाँ पर 10x10 का कलम, 2 नंबर्स, 12mm टॉर यहाँ पर हम इस्तेमाल करेंगे इस कलम के अंदर, ओके। तो इसका जो टोटल कॉस्टिंग आएगा इस बिल्डिंग को बनाने के लिए प्लान वाइज, तो यहाँ पर जो स्टेयर है इसका भी पार्ट देखिए, यहाँ पर 3 फीट, इधर 3 फीट, 3 फीट टोटल, टोटल यहाँ पर एरिया 5 फीट 10 इंच, 3 फीट, और इधर जो डिस्टेंस है 6 फीट 11 इंच। ऐसा ठीक है, तो इसका जो कॉस्टिंग आएगा यहाँ पर बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कॉस्ट, इसका मतलब इससे खर्चा आएगा यहाँ पर 7 लाख प्लस, ठीक है। तो आपको अगर इस डिज़ाइन को चेंज करना है, मॉडिफाई करना है, तब कर सकते हैं। तो थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।